daily show with Muneer Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज एक और बड़ा ही अहम दिन, जैसे कि कहा जा रहा था कि बड़ी तैनाती और बड़े फैसले होने जा रहे हैं और इस्लामाबाद से कोई बड़ी पेशरफ्त की खबर आएगी, लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है शायद इस्लामाबाद वाले भी नहीं जानते। क्या कशमकश है, क्या गहमा गहमी है, और हुकूमती वज़रा की बात करें तो एक वजीर की गुफ्तगू का दूसरे वजीर की गुफ्तगू से सिरा नहीं मिलता है दिखाई देता। इस वक्त हुकूमत का क्या मौजूदा स्टांस है, वो यकीन तौर पे तमाम तर मामलात को मजीद उलझा रहा है। दूसरी जानब हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के तमाम सतह से मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस वक्त जो इत्तलात आ रही है कि वो ऐसे माहौल में यूरोप का दौरा करने गए हैं और अपनी छुट्टियां गुजारने गए हैं, तो यहाँ पे इस हवाले से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनकी कल तक सेहत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो गाड़ी में बैठ के हवाई जहाज तक और हवाई जहाज में बैठ के फिर से पाकिस्तान का रुख ना कर सकते थे, वो एक बार फिर से हवाई जहाज में बैठ के 5 मुल्कों का दौरा करेंगे और वहां पे अपनी जो वेकेशन है उसको गुजारेंगे। तो ये तमाम तो सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब मीर असलम रिंद साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं। जरा इनसे जानते हैं कि जो इस वक्त शहर इकतदार में हो रहा है इसके पीछे दरअसल कहानी क्या और क्यों हमारे इदारों को इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर इतना ज्यादा इस तमाम तर चीजों में उलझाया जा रहा है। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब पहले तो ये बताइए शहर इक्तदार में क्या हो रहा है, क्या खबरें, क्या इत्तलात है, क्योंकि एक अहम फैसला होने जा रहा था, फिर समरी आई, समरी नहीं आई, ट्वीट किए गए, फिर ट्वीट डिलीट किए गए, हो क्या रहा है ये? मीर साहब एक बार मैंने पहले भी अर्ज किया था कि खबर तो नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल सही आ रही है, आ रही है, सही है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हमारी सियासी पार्टियां अब इतनी वो क्या बोलते खुदगर्ज हो गई है कि मुल्क के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, हर एक अपने मुफादात के तहत अपने च्वाइस चाहता है, अपने मुफादात चाहता है, इख्तदार चाहता है, मुल्क के बारे में, आवाम के बारे में, ये 23 करोड़ आवाम के बारे में कोई सीरियस नहीं है। ये जो अभी शहर इख्तदार में आप कहते हैं ना, हमारे आर्मी चीफ की तकरूरी है, कुछ पार्टियां चाहती है कि हमारी चॉइस हो, कुछ पार्टी एक पार्टी चाहती है कि हमारा चॉइस हो, वो ना हो। अभी पहली बार ऐसे मैंने देखा है अपनी जिंदगी में या सियासत में 35-40 साल के कि फौज के अदारे को भी इन्होंने मुतनाजा बना दिया सिर्फ अपने अपने मुफाद के लिए। अभी आप मुझे बताएं कि आप अपने न्यूज चैनल के बंदों को या एडमिनिस्ट्रेटिव उनको आप ज्यादा अच्छे पहचानते हैं या मैं क्वेटा में बैठकर अच्छा पहचान? बिल्कुल सही, लाजमी है जो GHQ से नाम आएगा उनका तजर्बा होगा, जो आर्मी चीफ के साथ कुर्बत में होगा, जिसमें ज्यादा अहलियत होगी, जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। जहां तक मेरी मालूमात है फौज का जब से फैसलार कोई बनता है सबसे पहले मुल्क का सोचता है, बिल्कुल से बढ़ातर ना सियासतदान है ना फौज है, कोई नहीं है, पहले मुल्क है फिर तो मीर साहब ये जरा समझाए ना कि हम देख रहे थे कि एक जानब ऑपोजिशन तो अपना किरदार अदा करती है और ऑपोजिशन का काम भी है कि हुकूमत को टफ टाइम देना, हुकूमत को ऑन द टोज रखना, लेकिन हुकूमत ने इस तमाम तर मामले के साथ जो खिलवाड़ किया, जो ज्यादती की मैं कहूंगा कि आज इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, एक इंतशार की कैफियत है और एक ऐसा फैसला जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता था, जिसमें बहुत क्लैरिटी हो सकती थी, जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी हो सकती थी, हुकूमती बुजुर्गों ने, मुशीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके इस तमाम तर अमल को इतना मुतनाजे बना दिया, आखिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या है इसके पीछे? सर गुजारिश ये है कि आपने देखा होगा एक पार्टी एक पेज पे नहीं है, पार्टी के अपने लीडरान पे एक पेज पे नहीं है, फिर 13 से 14 पार्टियां कैसे एक पेज पर होंगी, हर एक की अपनी चॉइस है, अपने तालुकात है, अपना मुस्तकबिल के बारे में उनके अपने डिमांड है। ये मैं बार बार कहता हूँ, मैंने शायद 2 मरतबा लिखा भी है कि पाकिस्तान का जो सिपहसालार जो भी आए, चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल सब 35 से 40 साल तजर्बेकार होते हैं, नौकरी करते हैं, हर शोबे में जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल सीनियर तरीन जनरल होते हैं, लाजमी जो बनेगा पहले मुल्क के बारे में सोचेगा, फिर अपने फौज के इसलाह के बारे में सोचेगा, उसके बाद दूसरे तरफ जो है वो तवज्जो देगा। लेकिन हमारे जो सियासतदान है, हमें सच्ची अफसोस होता है कि इन्होंने अपने मुफाद के लिए
मुल्क को दीवानिया निकाल दिया है। आप देखिए कि इस टाइम पर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। कल की खबर ये है कि 80% तक ये हालात बन गए, जर मुबादला कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। और ये कहीं यही तो वजह नहीं है कि हुकूमत इस वक्त पूरी आवाम को, पूरे मीडिया को इस एक फैसले के पीछे इतना ज्यादा उलझा चुकी है कि इस वक्त तमाम तो जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है या जो बिगाड़ पैदा हो चुका है उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं जा पा रही, हम उसकी तरफ बात ही नहीं कर पा रहे। और आज हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई सवाल नहीं उठा रहा। मईशत किस दहाने पे आ खड़ी है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आज सागदार साहब ने मईशत के जो अलमबरदार थे, जो इतने चैंपियन थे, उन्होंने मईशत के साथ क्या कुछ किया उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा। तो शायद हुकूमत को तो सूट कर रहा है कि एक ऐसे नॉन इशू को इशू बना दिया हुकूमत ने, क्या जवान तमाम तर सलाहियतों से कासिर नजर आती है। जैसा कि सर आपने खुद इसका जवाब दे दिया कि हमेशा हुकूमतें अपनी कारकर्दगी तो इनकी अच्छी होती नहीं है जी, लिहाजा इनका तरीकेकार ये होता है कि रोजाना एक नया इशू पैदा करे और आवाम को उसमें उलझाए रखे, अपनी कारकर्दगी के जो है ना वो उजागर ना हो। आप देखिए कि आज मुल्क में इतनी महंगाई है, इधर कोटा में स्टैम्प पर जो टमाटर 20 रुपए किलो मिलता था आज 200 रुपए किलो है, जो प्याज 20 रुपए किलो था वो आज 200 रुपए है। बिल्कुल। बाकी दूध आप देखें, आप चीनी देखें, आप घी देखें, आप लोगों के पास सर बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, कारोबार अरबों रुपए की जो है ना जायदादें हैं, दुकानें हैं, कारोबार है, ये किसी का कारोबार नहीं है। सुबह से जेब से चाय पी के जाते हैं, इसका मतलब रोलिंग नहीं है। जब रोलिंग नहीं होगा टैक्स पेयर कहां से टैक्स अदा करेगा, कब तक ये सरकारी मुलाजमीन के टैक्सों के जरिए जो है ना टैक्स कलेक्ट करते रहेंगे, या जो गवर्नमेंट के जो ठेके हैं उनसे जो है जीएसटी लेकर अपना वो कारोबार करते रहेंगे। डायरेक्ट आवाम का कारोबार नहीं होगा तो कभी टैक्स अदा नहीं करेगा। तनख्वाह के पैसे सुनने में अगर अगले 2 महीने के बाद तनख्वाह के पैसे भी नहीं होंगे, ये बड़ा तो मसला है, चलेगा। ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, लेकिन मेरे साहब एक मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर बात कीजिएगा। ये स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है राणा सनाउल्लाह साहब के नाम से और मंसूब किया जा रहा है राणा सनाउल्लाह साहब को इस स्टेटमेंट से कि अगर समरी मौसूल नहीं भी होती और समरी चाहे कुछ भी मौसूल हो, वजीर आजम अपना फैसला अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सर इस तरह के बयान देने चाहिए वजीर दाखिला को कि समरी आए या ना आए, समरी में ताखिर हो जाए वजीर आजम, ये तो खुद तमाम तक प्रोसेस को मुतनाजा बना रहे हैं। मेहमान साहब आप खुद एक साफी है, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको पता है ये सुल्तान राई के डायलॉगों से कुछ नहीं होता, जमीनी हकायक सबको पता है। ये 55 सीट और 35 सीट वाले इतने अगर बाख्तियार होते तो फिर कब के इन्होंने कर लिया होता। देखो आर्मी ने ऐसा सोचना है, देखे हम 20 माशरे में रहते हैं, मालूमात रखते हैं, वो उस शख्स को सिपे सालार बनाएंगे जो मुतनाजा ना हो, जो कल पार्टियां उस पर जो है ना तनकीद ना करें। हमारे तो सियासतदान अपने मुफादात के लिए ये 75 साल में पहली बार ऐसे हुआ है कि आने वाले आर्मी चीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मौजूदा आर्मी चीफ को भी। आप यकीन करें कि मैं सोचता हूँ कि आर्मी बहुत सब और तमन का मुजाहरा कर रही है, वरना सरकार ठीक नहीं हमारे सियासी लोगों। और मीर साहब एक सवाल ये भी बताइएगा कि ये जो 26 तारीख को खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी और रावलपिंडी में गालबन मरी रोड पे ये पूरा स्टेज सजाया जा रहा है और यहाँ पे एक बड़ा लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा, एहतजाज भी किया जाएगा, धरना भी किया जाएगा, सर क्या ये भी एक वजह है कि हुकूमत अपने फैसलों में क्लियर नहीं है, हुकूमत के ऊपर ये भी प्रेशर है कि कल कोई कोई गलत फैसला हुआ या कोई गलत इकदाम हो गया तो खान साहब 25 तारीख के बाद 26 तारीख को वहां पे मौजूद होंगे और हुकूमत के मामलात को बहुत बेहतर अंदाज में सियासी रंग देते हुए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप देखिए सर के एक जनरल साहब के बारे में जो है उसके मुस्लिम लीग और पीडीएम के खदशात है जी, एक हमारे सीनियर जनरल के बारे में तहरीकर साहब के खदशात है। अभी खौफ और वहम का इलाज तो किसी के पास नहीं है। मैंने आपसे कहा जो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनेगा, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा,
वो सिर्फ मुल्क के बारे में सोचेगा, फिर आर्मी के क्लास और अपने फंक्शन के बारे में सोचेगा। ये जो है तीसरी बात है, ये इनके दिल में खौफ है और खौफ का इलाज लुकमान हकीम के पास भी। लेकिन लेकिन मीर साहब जरा ये बताना, खौफ की वजह क्या है? खौफ तो उसको होता है जिसने कोई गलत किया हो, खौफ तो उसको होता है जिसके मामलात में कुछ गड़बड़ी हो। अगर ये जो कहते हैं इनके मामलात में गड़बड़ी नहीं, बल्कि आज तो सरदार साहब एक और मुकदमे में बहुत उनके लिए एक बड़ा रिलीफ मिल गया, तो अगर इनके मामलात बेहतर है तो इनको फिर खौफ किस बात का है? इनको तो बेखौफ होकर अपने फैसले को करना चाहिए। मेहमान साहब, आज देखिए सारी दुनिया के टीवी चैनल से हमारे हुक्मरानों पे तनकीद की जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हाकिमों ने, हमारे हुक्मरानों ने कोई भी करप्शन से मुबर्रा नहीं है। सब जो है ना इस दलदल में सब फंसे हुए हैं, सब ने कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या रहेंगे। इन्होंने अपने मुफाद के लिए मुल्क को इस दाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज मुल्क कर्जों पे चल रहा है। आज दुनिया के बाद हमारे मुल्क से बाद आजाद होने वाले ममालिक आप देखे कितनी तरक्की कर रहे हैं। सुनने में आया है कि 60,000 बड़े बिजनेसमैनों ने बांग्लादेश का रुख कर लिया है। जी हाँ, अगर अदम इस्तेकाम होगा, अगर अफरा तफरी होगी, कौन इस मुल्क में बिजनेस करने आएगा, कौन अपने पैसे बसाएगा, उनके खदशात कौन दूर करेगा? ये कमजोर हुकूमत, 14 पार्टी वाली, मैंने जिंदगी में पहली बार हुकूमत देखी है। मैंने याद है आपको दिसंबर में कहा था, अगर मुस्लिम लीग ने हुकूमत ली सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को नुकसान होगा, और वही असरात आज हमारे सामने है और हम देख रहे हैं। ये कानून साजी जो की गई है, मैं मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहा हूँ, मैं ये जो कानून साजी है मैं बिल्कुल इसकी हिमायत नहीं करता हूँ। ये जो है तबाही है सर। अगर आज इस कानून साजी की हिमायत ना होती तो इसहाक डार साहब आज जिस तरीके से वो बरी हुए हैं, उनको जो रिलीफ मिला शायद वो मिलता ना। सर सिर्फ वो नहीं हुए, कराची के लोग भी हुए हैं, क्यूएन के भी हुए हैं, पार्टी के भी हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के भी हुए, जमीयत के भी हुए, और नैब के इन्होंने आज पैर काट के मैदान में छोड़ दिए है। अभी वो बेचारे कभी अलवाल होता है तो वो कहते हैं हम तो दादारा तो खत्म हो गया, सिर्फ नाम कहे जो लोग बरसर रोजगार है शायद इन्हीं को चलाते रहे। अच्छा मीर साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके हवाले से मैं चाहूंगा, इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून जिसके दम पे इस वक्त जो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर, सर मियां साहब की तबीयत के हवाले से हमने देखा कि गुज़िश्ता 6-8 माह से, 1 साल से जो कुछ मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया, जो तजियाकारों की जानिब से मुख्तलिफ तजियाकारों की जानिब से कहा गया कि वो शदीद बीमार हैं, वो लंदन मौजूद हैं, वो फ्लाइट से सफर करके पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा नासाज है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता वो आए तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। सर अब ये बताएं मीर साहब कि ये 5 मुल्कों का दौरा जो होने जा रहा है ये भी एक तवील दौरा है, मियां साहब की सेहत इस वक्त की इजाजत दे रही है? क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी अहम है, क्योंकि एक जानिब मुस्लिम लीग नून के एक साहब है जो क्लेम करते हैं, जो मुस्लिम लीग नून का मैं तर्जुमान हूं, वो ये बात कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा, इमरान खान के कत्ल का मंसूबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर में उनके सामने बना, और उसके 2 या 3 रोज बाद मियां साहब लंदन से रवाना हो जाते हैं यूरोप के दौरे के ऊपर। सर ये बहुत सारे मामले आते हैं। सर हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते हैं अगर लड़ाई के बाद आपको अपना मुक्का याद आए तो अपने मुंह पे मारो। कहने का मतलब ये है कि वो शख्स जो आज क्लेम कर रहा है, सामने आ रहा है, उस वक्त क्यों नहीं किया? अगर खुदा नखास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता, अरशद शरीफ तो देखो पाकिस्तान का एक पाए गस्ताफी शहीद हो चुका है, ठीक है जी, अगर इसने उस टाइम पर इतला क्यों नहीं दी, पाकिस्तानी हुकूमत को क्यों इतला नहीं दी, हमारे अदारों को क्यों इतला नहीं दी? आज जो है ना ये बाहर निकला है, मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान के खिलाफ और हमारे मुल्क के खिलाफ कोई बहुत बड़ा साजिश है, ये पार्टियों को भी बदनाम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब बीमार थे और बीमार है भी, देखो उनकी उम्र भी इतनी है, लेकिन उनकी जो पासपोर्ट का मसला है वो टाइम खत्म हो गया है, सुनने में आ रहा है कि वो 10-15 दिन के लिए बाहर जाए। इसका इंग्लैंड का एक रूल है, अगर आपके 6 महीने का वीजा खत्म हो गया आप 6 महीने के बाद लेना पड़ता है जी, फिर अगर वो खत्म हो गया आपको फिर बाहर जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर 6 महीने का मिलेगा, शायद इसी वजह से गए। दूसरी बात ये है कि मुल्क में जो है ना
इसके वैसे हालात है कि बहुत ज्यादा आप ये कंफ्यूजन है, इंतजार फैला हुआ, इंतजार दिखाई दे रहा है, फैली हुई है, बेयकीनी फैली हुई है, परेशान है। ठीक हो गया मीर साहब, आपका आपका मौका आ गया। और यकीन तौर पे इस वक्त जो आप बात कह रहे हैं कि इदारों को किसी भी तौर पे मुतनाजा नहीं बनाना चाहिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, अपनी अपनी पॉलिटिक्स अपनी अपनी सियासत के वजह से हमारे इदारों को भेंट चढ़ा रही है। बिल्कुल मालिक के सर इदारे कमजोर हुए हैं, आज उनका क्या हाल है? बिल्कुल सही कहा, क्या हुआ है? लेकिन देखिए जी, जिनकी फौज कमजोर हो, अगर मैं कहता हूँ जो भी फौज के खिलाफ मुआजराई करता है उसको मुतनाजा बनाता है, वो इस मुल्क का दोस्त नहीं दुश्मन है। बिल्कुल सही, बहुत ही सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपका मौकफ आ गया। और यकीन तौर पर यही मौकफ हर एक पाकिस्तानी का है कि हम किसी भी तौर पर अपने इदारों को कमजोर होता हुआ नहीं देख सकते। ये बात बिल्कुल कहा जा सकती है कि शायद इनमें बेहतरी की गुंजाइश है, शायद और अच्छा काम हो सकता है, लेकिन इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि उनको बीच चौराहे पर ला के उनका उनकी किरदार खुशी की जाए या उनके हवाले से अपनी सियासत को चमकाया जाए ताकि महज अपनी सियासत का को परवान चढ़ाने के लिए किसी की पगड़ियां उछाली जाएं और इदारों को कमजोर किया जाए। ये इदारे हमारे मुल्क का फख्र हैं और यकीन तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि जब तक ये इदारे हैं तब तक पाकिस्तान की बका और सलामती यकीनी है। इस वक्त अगर यहाँ पे कोई भी मैली आंख हमारे मुल्क की तरफ बढ़ती है तो यही इदारे हैं जो मुल्क का दफा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस सूरत हाल के ऊपर जल्द काबू पाया जाएगा। जरा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ये तस्करा होगा कि इस वक्त मरी रोड पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो कि 26 तारीख की कॉल दी है रावलपिंडी में, और मरी रोड पे ये इज्तिमा सजाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि खेमा बस्तियां भी बनाई जा रही है। इसके ऊपर क्या कुछ होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।